अपना परिचय दीजिए। लॉकडाउन जो हुआ है उस पर आप कैसी महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम विजय शिकरिया है। मेरी सब्जी मंडी में चीनी मैदे होलसेल ट्रेडिंग का काम है, और हमारे जैसे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कोरोना वायरस लेके, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। उस समर्थन से पूरी मार्केट बंद है हमारी, और हम 2 दिन से अपने परिवार के साथ पूरा मस्ती कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं फैमिली साथ में। कल भी हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, आज भी हम लोग अपने घर में लूडो सब खेल रहे हैं, और इसका पूरा समर्थन है। और जो भी मोदी हमारे इसका आगे आह्वान करेंगे उसका पूरा समर्थन करेंगे। इससे बिजनेस पे आपके कितना असर पड़ा है या जो भी है? बिजनेस में असर तो पड़ा ही है, लेकिन अब आगे कैसे, क्या मोदी जी का आगे क्या रहता है, अभी 2 दिन बीता है, इसके बारे में कुछ नहीं जान सकता। मतलब मोदी मोदी जी जी की को यूं बंदी अकेले का हम लोग सब समर्थन समर्थन करते करते हैं, हैं, हम तो लोग हम हमेशा मोदी जी को उनके कैसे साथ करते हैं, हैं जो भी उन लोग पूरे का उनका आदेश पालन रहेगा हम लोग उसका पालन पालन करने के लिए में हमेशा तत्पर तत्पर रहेंगे। रहेंगे। जय हिंद। बाबूजी अपना परिचय दे दीजिए। आज तक आपकी कितनी उम्र है और आज तक ऐसा क्या हुआ जो आपको याद में है देश की आज़ादी के बाद से अब तक? हमारा नाम मौलाना शिकरिया है। हमारी उम्र लगभग 80 साल है। हमारे पूरे जीवन में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जैसा मोदी जी के टाइम में लॉकडाउन हुआ है। और जितने शांतिपूर्वक लोग मना रहे हैं, हम परिवार के अंदर बैठ करके सब अपने पोता पोती लड़कों के साथ ताश खेल रहे हैं और प्रोग्राम सब मना रहे हैं। और इसका पूरा हमारा समर्थन है मोदी जी को। जब तक वो कहेंगे तब तक हम इसमें इसका समर्थन करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। आज आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और बंदी है, लॉकडाउन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अनामिका गुप्ता, गणेश स्टील एंड फर्नीचर मेरी शॉप है, और आज हम सब परिवार के साथ बैठे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इंडोर गेम्स। मोदी जी ने जो कोरोना के खिलाफ जो फैसला लिया है, हम सभी परिवार मिलकर, पूरा देश मिलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम सब आज बैठकर यहाँ पे इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शायद ये कीमती समय हम लोगों को पहले नहीं मिल पाता था बिजनेस में बिजी होने की वजह से, लेकिन आज बहुत ही अच्छा माहौल घर में है। सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस घर के जो जेंट्स हैं वो सब काम में हम लोगों का हाथ बटा रहे हैं, और हम सब लोग मिल के एक साथ काम कर रहे हैं। कहीं से कोई भी टेंशन नहीं है, और 21 दिन, क्या अगर और 21 दिन लगेंगे तो हम सब मिलकर इसका डट कर सामना करेंगे और कोरोना को हराएंगे ही हराएंगे। धन्यवाद। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। मोदी जी के इस निर्णय पर, लॉकडाउन के निर्णय पर हम सब का समर्थन, और कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। दीजिए आज आप लोग क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन का दूसरा दिन है, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग का, मेरा नाम भूपिंदर कौर है, और फिरोज गांधी जी रहते रायबरेली से हैं, और मोदी जी के आदेश से आज कोरोना की वजह से आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का, और हम लोग घर के अंदर हैं। मेरे जो पति हैं जो व्यापारी हैं, वो अब हम लोग को टाइम दे रहे हैं घर के अंदर, और हम लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं, कैरम वगैरह खेल रहे हैं, और जो है घर के अंदर है। कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कि आप लोग भी बाहर ना निकलिए, अपने बच्चों को समझाइए, और कोरोना की वजह से बाहर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और आप लोग भी अंदर ही रहिए। हमने अपने बच्चों को सारा अपने हिसाब से बता दिए, ये लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं। आप लोग भी प्लीज सरकार का कहना मानिए, जो कि कोरोना सारे देश से, भारत से बाहर वापस चला जाए।
अपना नाम बता दो। आज बेटा लॉकडाउन का दूसरा दिन है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम हरदीप कौर छाबड़ा है, मैं फिरोज गांधी कॉलोनी रायबरेली से बोल रही हूँ। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। मोदी जी ने ये लॉकडाउन करवाया क्योंकि कोरोना से हम सभी लड़ सकें। हमारा जो ये कोरोना वायरस की वजह से हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हम सभी घर पर हैं। पहले हम लोगों को हमेशा शिकायतें रहती थी अपने पापा से कि वो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं या फिर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी हुई कि हम लोगों को अपने परिवार के साथ बिताने का कुछ वक्त मिल गया। हम लोग मोदी सरकार का जो भी आदेश उन्होंने किया है उस चीज़ का हम लोग समर्थन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सब लोग मिल के इस चीज़ का सहयोग करें। आप लोग को बहुत अच्छा वक्त मिला है और एक कारण भी मिला है अपने परिवार के साथ समय बिताने का। जैसा कि हम सब पूरा परिवार घर पर है, कोई बाहर नहीं निकलता है, पूरा समर्थन कर रहे हैं हम लोग मोदी सरकार का, तो आप लोग भी सुरक्षित रहें, घर पर रहें। अपना नाम बता दीजिए। बेटा लॉकडाउन है, बच्चे और घर में भी हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कैसा लग रहा है बेटा आपको? मेरा नाम श्रीजा है और हम यहाँ पुलिस लाइन चौराहा में रहते हैं रायबरेली, और हम इस लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे पेरेंट्स जैसे कि डॉक्टर हैं और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल रहा है जो मुझे नहीं मिलता है। बंदी से आप खुश हैं या देश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे बेटा अपने जो आपकी उम्र के लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस लॉकडाउन को आप सपोर्ट कीजिए और बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है कोरोना वायरस, और सोशल डिस्टेंसिंग जितना रहे उतना ही अच्छा है। तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि सब अपने घर में रहें, उसको सपोर्ट करें।